आज की ये कहानी सुनने के बाद कभी आपको एसिडिटी और पेट में गैस नहीं होगी। बस आपको तीन आयुर्वेदिक चीजों को खाना होगा। वह आयुर्वेदिक चीजें कौन सी है, वही हम आज एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए आज की अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम एक गुब्बारे में ज्यादा हवा भर देते हैं तो वह फूट जाता है। एक तालाब में ज्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है, जबकि गुब्बारे में हवा भरनी भी जरूरी है और तालाब में पानी रहना भी जरूरी है। इसी तरह से हमारे पेट में गैस का बनना भी जरूरी है, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बनने लगती है तो ये हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, पेट में गैस बनना ये बहुत सारी आम परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभार ये आम सी दिखने वाली परेशानियां बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो कि बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कई बार बिना कुछ खाए बिना भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है तो आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की इस कहानी में आपको बताने वाला हूं चार बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में, जो कि आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी। वह सारी चीजें आपको अपनी रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी और वह आपकी गैस को जड़ से खत्म कर देगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी, जैसे कि इंडिजेशन कब्ज। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा ही भारी भारी रहता है, मुझे भूख नहीं लगती है और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है, और इस दर्द की वजह से न तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। कृपया मुझे कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में इन सारी परेशानियों का कारण है पेट में गैस का बनना। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं ये समझो। देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है, जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के दो मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा खाने के साथ और पानी के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वह वहां पर इकट्ठे होकर ऐंठन का कारण बनती है। दूसरा कारण है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वह खाना पचता है तो वहां पर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है, और अगर यह गैस ज्यादा बनती है तो वह गैस वहां पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसा असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊं उन चीजों को तुम ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे पहली है भोजन में कार्बोहाइड्रेट चीजों को कम करें। भोजन में जरूरत से ज्यादा कार्ब्स जैसे आलू चावल ब्रेड, मिठाई पकौड़े चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से और फाइबर का सेवन कम करने से कब्ज, अपच, पेट दर्द, पेट में गुड़ गुड़ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इससे बचने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का बैलेंस बनाकर रखें। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो यह है कि खाते समय पानी ना पिए। कुछ लोग खाते समय खूब पानी पीते हैं, यह आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाते समय पानी पीने से खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिससे पेट में गैस और गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। तीसरी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम्हें कभी भी बासी भोजन नहीं करना है बेटा। बासी खाना या फिर सड़क पर खुला बिकने वाली चीजें फूड पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजन या फिर डायरिया की स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता है, इस स्थिति में पेट में गैस बनने लगती है और गुड़गुड़ की आवाज आती है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और शौच के समय भी गैस निकलती है।
ऐसी स्थिति में उल्टी करते समय भी गैस बाहर निकलती है, इसीलिए कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमेशा तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी भूखा आपको नहीं रहना है, क्योंकि खाना समय पर नहीं खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर जरूरत से ज्यादा खाना खाने से, तली भूली चीजें खाने से, मसालेदार खाना खाने से, चाय के साथ ढेर पकौड़े या फिर समोसा खाने से गैस एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को पेट में गुड़ गुड़ डकारे आदि की तकलीफ होने लगती है और पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा आपके पेट में गैस किसी भी कारण से बने, लेकिन आज मैं तुम्हें चार चीजों के बारे में बताऊंगा, उससे आपकी गैस बनने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसे तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज जो आपके गैस को खत्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेगी वो है अजवाइन। डॉट बेटा, अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थायमोल। थायमोल अंदर जाके हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं तो यह थायमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी जल्दी पचता है और हमारे गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटा, अजवाइन में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह बीज दिल से जुड़ी समस्याओं को भी कम करते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। अजवाइन में एंटीसेप्टिक एंटीमाइक्रोबियल्स गुण पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे बीज सर्दी खांसी और अन्य संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। अजवाइन में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अजवाइन के बीज जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गैमा टेरेपियन पेप्टिक अल्सर डायबिटिक के इलाज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानो। आपको एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फांक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट के बाद में लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह के नाश्ता करने के बाद में ले सकते हैं, या फिर आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। अब आप जब अजवाइन की फांक को लेना शुरू कर देंगे तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छी चीज है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं, मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए आपको जीरे का पानी इस्तेमाल करना है। यह आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर में मौजूद हानिकारक कण, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। यह आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद भी करता है। इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है और पेट संबंधित समस्याएं जैसे पेट में गैस, अपचकब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह भोजन के बेहतर पाचन में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता है बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेजी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं। यह शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और आपकी वेट लॉस जर्नी में तेजी लाता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर और रक्त को शुद्ध कर त्वचा संबंधित कहीं समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कील, मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा इसको बनाने के लिए आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसके अंदर आपको एक छोटी चम्मच जीरे की डाल देनी है। इसके बाद में आप इसको आग पर रखिए और इसे उबलने दीजिए।
आप इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालिए। इसके बाद आप इसको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे ग्लास में रख लीजिए और फिर इस पानी को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है और एक आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 10 मिनट के बाद में ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए, जिससे इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वह पूरी मात्रा में मिले और गैस की समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर दे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके बाद जो आपको तीसरी चीज इस्तेमाल करनी है वह है हींग एंटी फैचुलेट होती है। इसका मतलब होता है कि ये हमारे पेट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा गैस होती है उनको बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको गैस की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थरेन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्थी बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा हींग अपने एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण एस्मा और अन्य साहस से संबंधित परेशानियां जैसे ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसे से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिंकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाले पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी आईफिल वेंट्री गुण होते हैं जो ब्लड मसल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। एक ग्लास गर्म पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग एक नेचुरल कर्मी नेटिव के रूप में काम करता है, जो पेट फूलने, सूजन और अन्य पाचन संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेनी है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको इसे तुरंत ही पी लेना है। इससे पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, आपकी गैस बनना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है अदरक। अदरक यानी कि अदरक का पानी। अदरक पोषक तत्वों का खजाना होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसालों के रूप में भी किया जाता है। यह विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। यह कई बीमारियों से हमें बचाती है। अदरक के अंदर बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस से आपको छुटकारा दिलाने का काम करती है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं जिंजरोल, और यह जिंजरोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लिवर को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है और काफी लंबे समय से आपको यह परेशानी है और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप अदरक का पानी रोजाना पिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो सकती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक वजन कम करने में मददगार है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए अदरक काफी फायदेमंद है। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी और ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो वजन कम करने में काफी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेजी से संचार के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन खनिज और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है, जिससे दिल के दौरे
और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा, अदरक का पानी बनाने के लिए आपको एक कप पानी लेना है, उसमें आपको एक छोटी चम्मच कसी हुई अदरक डालनी है। इन दोनों चीजों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी इसमें 3 से 4 बार अच्छी तरह उबाल आ जाए। इसके बाद आपको इसको छलनी से या सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब यह हल्का हल्का गुनगुना रह जाए, तब आपको इसको दिन में 2 समय लेना है। एक समय तो दोपहर का खाना खाने के बाद और एक रात्रि का खाना खाने के 10 मिनट बाद। अदरक का पानी आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और यह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। तो दर्शकों, चलिए अब अपने शरीर से सारी गंदगी और गर्मी कैसे निकाले इस विषय पर अगली आयुर्वेदिक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है। वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ झलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैल गई तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर को तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बढ़ रही है तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है क्योंकि यह हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है मेटाबॉलिज्म के लिए, और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रेसेस पड़ जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फूसियां निकलना या हथेलियों से और पैरों के तलवों से गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, ये सब यह दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग हो होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नकसीर आना, ये सब शरीर की गर्मी बड़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दें। इनमें से 2-3 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और अगर हमारे शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दे तो हमारे शरीर की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक दिन वह नगर में भिक्षाटन के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है, मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं, कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा,
ये सारी चीज तुम्हारे साथ इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, है गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ना, ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं को। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप यह समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चाहे आप कितनी भी क्रीम लगाकर इसे ढकने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन यह सब लक्षण रहेंगे। पर आप घबराए नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज, गोंद कतीरा। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है, और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है, लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं, और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फलकर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे 1 चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देगा। आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद का कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है, और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका लिवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में, या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हो, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलवे पर लगाते हो और उसे 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा का 100 ग्राम पाक आपको 30 रुपए में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। यह इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतीरा ही खरीदना है, गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज, सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा, भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढक कर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता है। सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से,
बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले। लेकिन मोटी मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज, ठंडे पेय पदार्थ। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे। लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट को, कोकोला, पेप्सी लिमका या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग। ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स हैं, जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है। ये सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिए, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 20 रुपए का एक ग्लास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक पौष्टिक और प्रामाणिक तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक ग्लास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो, उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंड करेगा। दूसरा ठंडा पर पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पत्थरी यूरिन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पदार्थ जिसमें जबरदस्त न्यूट्रिशियस इलेक्ट्रोलाइट एंटियन हो, उसका मुकाबला ये कल की कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है? इसके अलावा आप चने का सत्तू या फिर जो का सत्तू किसी किराने की दुकान से खरीद लो। इसमें नमक मिलाकर, चाहे आप इसे नमकीन बना लो या फिर मिश्री डालकर, चाहे आप इसे मीठा बना लो। इससे आपको प्रोटीन मिलेगा और शरीर को ठंडक भी मिलेगी। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, उसके पैरों से बदबू आती है। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा।
रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मालिश को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांसा धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलवे की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है। दोनों पैरों पर अगर आप 2-2 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाएं, तो उसके बाद आपको अपने पैरों को किसी रुमाल से पहुंच लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओगे तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मैसेज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें पांचवीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का और कोई लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करना है। देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगता हो, लेकिन बर्फ शरीर में गर्मी ही पैदा करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। और मजे की बात तो यह है कि यह इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं तो कई बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है। इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से एल्कालाइन ज्यादा होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला आ रहा है। आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात भर रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। यह आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, ग्लास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद का तीरा खाएं, धूप में निकले तो सर ढक कर निकले, कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ पिए, रात को सोने से पहले पैरों के तलब की मसाज करें और पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। बहुत ही जल्दी आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। फिर वह गुरु अपना उपदेश समाप्त करके वापस अपनी कुटिया की तरफ चले जाते हैं और नगर के लोग भी अपने अपने घर को लूट जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कॉमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो
और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धा।